हे गाइस द व्लॉगर इज बैक विद दिस न्यू वीडियो। ओके सो होप कर रहा हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो शुरू करते हैं। सो बात करो पिछले व्लॉग की, तो पिछला व्लॉग इसी तरह से शूट हुआ था इसी सेटअप पे, लेकिन थोड़े चेंजेस है कि मैंने पिछला व्लॉग मेरे भाई के रूम में शूट किया था और अभी मैं मेरे रूम में शूट कर रहा हूँ। सो पीछे जो मतलब विंडो से जो ब्राइटनेस आ रही है उसको इग्नोर करें। और तो पिछले व्लॉग के बारे में बात करूँ तो मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि मैं ऐसे व्लॉग शूट करूँ या नहीं, लेकिन किसी ने सजेस्ट नहीं किए, बस ऐसे जेन्युइन कमेंट्स आए। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आता तो मैं कुछ इम्प्रूव कर सकता था कुछ अलग करने के लिए। सो राइट नाउ उस बात को अभी रखते हैं साइड में, और राइट नाउ जो लोग भी अभी ये व्लॉग देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिए व्लॉग और मुझे कमेंट करके बताए कि ऐसे मैं व्लॉग शूट करूँ या ना। तो आज का व्लॉग जो है इन्फॉर्मेटिव और स्पेशली व्लॉगर्स के लिए जो भी व्लॉगिंग करते हैं, बिगनर है और शायद प्रो भी है, और मैं बिगनर ही व्लॉगर हूँ, लेकिन जो अब भी राइट नाउ स्टार्ट कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट किए थे ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स अगो। सो मुझे जो मतलब इन दिनों में इतने जो मैंने व्लॉग किए इनमें से जो मुझे लगा वो मैं बताऊंगा आपको, मतलब शेयर करूंगा आपसे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो का टॉपिक है हमारा 3 things व्हाई व्लॉगिंग, मतलब जो भी व्लॉग कर रहे हैं, यूट्यूबर है, व्लॉग बना रहे हैं, बिगनर है, प्रो है, सो मतलब कौन सी 3 ऐसी चीज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली टिप नंबर 1 है एंगेजिंग, मतलब आप किस तरह से एंगेज रहते हैं अपने व्यूअर्स की तरफ, मतलब वो कोई भी फील्ड हो, आप मोटो व्लॉगिंग करते हो या फिर आप स्पोर्ट्स व्लॉगिंग करते हो, मतलब लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करते हो और ट्रेवल व्लॉगिंग करते हो, कोई भी व्लॉगिंग होगा, मतलब आपको एंगेज किस तरह से लगते हैं आप अपने व्यूअर्स को। और सेकंड जो पॉइंट है वो है एंटरटेनिंग, मतलब आप किस तरह से एंटरटेन करते हो अपने व्यूअर्स को। सो और जो थर्ड पॉइंट है वो है एंजॉयिंग द लाइफ, मतलब आप लाइफ को किस तरह से एंजॉय करते हो, क्योंकि व्लॉग जो होता है एक तरफ लाइफ के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब आप लाइफ कैसे जी रहे हो, मतलब आप कि लाइफ बोरिंग होकर भी आप व्लॉग में उसको किस तरह से इंटरेस्टिंग लेके आते हो, वो है एंजॉयिंग द लाइफ। इन चीजों में देखा जाए तो एंटरटेनिंग तो मैं शायद बन सकता हूँ, शायद हो भी है पता नहीं, और इंटरेस्ट जो मुझे लाइफ में है वो भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो एंगेजिंग वो मुझसे थोड़ी नहीं हो रही है, तो उसको मैं अभी धीरे धीरे कवर अप करने की सोच रहा हूँ। मतलब मैं एंगेज नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं पहले स्टार्टिंग में क्या करता था, वीकली एक मेरा व्लॉग होता ही था एवरी ट्यूसडे या एवरी वेनसडे को, लेकिन अभी ये थोड़ा सा छूट रहा है फ्लो, सो उस फ्लो को पकड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो बस इन 3 चीजों की जरूरत है आप अगर व्लॉगर है, व्लॉग करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताई है। फर्स्ट इज एंगेजिंग, सेकेंड इज एंटरटेनिंग, एंड थर्ड इज हाउ यू एंजॉय द लाइफ, मतलब आप लाइफ को किस तरह से एंजॉय करते हो। सो कई बार क्या होता है आपकी लाइफ सही नहीं होती, आपका मूड खराब होता है, फिर भी आप व्लॉग करते हो। मैंने कई व्लॉगर देखे हैं जो मतलब उनकी लाइफ ऐसी नहीं है, फिर भी वो इस तरह से दिखाते हैं कि आप उनकी लाइफ बहुत हैप्पी है, वो डेली व्लॉग्स करते हैं, जो आपने देखा होगा डेली वो हैप्पी दिखाते हैं अपनी लाइफ को, मैं आज ये करने जा रहा हूँ, मैंने बाय कर लिया, मतलब जो नेगेटिव साइड है वो नहीं दिखाए। सो ऐसे आपको व्लॉग करना है। ऑल राइट, सो हेयर स्टाइल थोड़ी चेंज हो चुकी है क्योंकि हमने साइड के बाल ट्रिम कर दिए है, और जब ये मैंने इसके पहले जो हमने शूट किया था मतलब 3 ट्रिप्स उसके बाद में हेयर कट कराने के लिए गया, मतलब सलून के पास नहीं गया, मेरे दोस्त के घर गया। सो हमने घर पे कटाया क्योंकि सलून बंद है। सो वो मैं व्लॉग में डालने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि वो बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि ये जो कट दिखाई दे रहे हैं पहले हमने यहाँ तक लिया फिर यहाँ तक लिया, तो थोड़ा थोड़ा सा वो ये राउंड कट हो चुका है। सो उतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन उतना गंदा भी नहीं है, लेकिन वो व्लॉग में कुछ अच्छा नहीं दिखता इसलिए मैंने व्लॉग में नहीं डाला। सो उसके बाद जब मैं मेरी पुरानी पिक्स देख रहा था, मतलब कैसे मेरा हेयर स्टाइल थी, बाल एकदम बढ़ गए थे, यहाँ तक पहुँच रहे थे, सो वो देखते देखते मुझे पता चला कि मेरी कुछ पिक्स ही गायब है, मतलब मेरे जो फ्रेंड्स का एल्बम है, फ्रेंड्स के जो पिक्स थे उनमें से कुछ फोटोज गायब है। फिर मैंने मेरा फैमिली एल्बम चेक किया तो वहाँ पे भी कुछ फोटोज गायब थे। सो अभी मुझको वो शायद लैपटॉप में हो गए, तो क्योंकि मैं कैमरा की पिक्स जो होता हूँ डायरेक्ट लैपटॉप में इम्पोर्ट, फिर मैं उसको ट्रांसफर करता हूँ मोबाइल में। सो अभी मुझको वो सब ट्रांसफर करके लेने हैं, फिर से बैकअप करने हैं। सो देखिए आप, oh,
के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आप सब लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो ऐसे व्लॉग के लिए मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं ऐसे व्लॉग लाऊं या ना लाऊं। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।